दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में। जी हां, इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला कहां होगा यह पता चल गया है। और यह महामुकाबला किस में होगा यह भी अगर आप जानना चाहें तो बता दूं कि मैं बातें कर रहा हूं इसी साल आयोजित होने वाले 50 ओवरों के वर्ल्ड कप की। तो यह महामुकाबला कहां होगा आज वो आपको बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि वर्ल्ड कप के मैचेस किन किन जगहों पर किन किन शहरों में खेले जाएंगे इस बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए किस तरह की पिच अपने मैचों के लिए चाहेगी वो भी बताऊंगा, और साथ ही ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की टीम अपने ज्यादातर मैच कहां खेलने वाली है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। इसी साल अक्टूबर नवंबर में 50 ओवरों का क्रिकेट विश्व कप होना है और उसके लिए जो है वो तैयारियां हो रही हैं। शेड्यूल अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो फ्रेंचाइजी लीग अभी चल रहा है उसके संपन्न हो जाने के बाद एक भव्य कार्यक्रम में जो है वो सारा शेड्यूल जारी किया जाएगा कि कौन सा मैच कब खेला जाएगा। लेकिन ये जानकारी आ गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो महामुकाबला होगा वो कहां होगा, वो होगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, मतलब कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इसके पीछे वजह भी है। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है, क्षमता है दर्शकों की, वो 1 लाख के आसपास है। तो इस मैच को देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग जो है वो आना चाहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैच को देखना चाहेंगे क्योंकि ये महामुकाबला होगा। तो इस वजह से इसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाया जाएगा क्योंकि वहां ज्यादा दर्शक जो है इस मैच का लुत्फ उठा सकेंगे और उस रोमांचक भिड़ंत को देख सकेंगे। तो यह तय हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आपको यह भी बता दूं कि जो अभी तक सूचना है उसके अनुसार देश के 12 शहरों में वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। और अगर उन 12 शहरों की हम बात करें तो बेंगलुरु है, नागपुर है, त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, राजकोट, इंदौर, धर्मशाला। ये 12 जगह हैं जहां पर कि विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। हालांकि देखिए, सारे स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो BCCI से एफिलिएटेड हैं, उन्होंने जो है अपने लिए मैच मांगा है, लेकिन कहां मैच आयोजित होंगे इसका फैसला पूरी तरह से BCCI ही लेने जा रहा है। तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला जहां अहमदाबाद में होगा, लेकिन जो पाकिस्तान अपने ज्यादातर मैच है वो जो है वो खेलेगा चेन्नई और बेंगलुरु में, कुछ एक मैच उसके कोलकाता में भी हो सकते हैं। तो ये है पाकिस्तान के जो ज्यादातर मैच कहां होंगे वो मैंने आपको बता दिया। आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश जो है अपने ज्यादातर मैच जो है वो ईस्टर्न इंडिया में खेलना चाहेगा और उसके अनुसार कोलकाता और गुवाहाटी 2 ऐसी जगह है जहां पर कि बांग्लादेश के मैच आयोजित किए जाएंगे। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो बांग्लादेश से लोग जो है अगर इस मैच को देखने आना चाहें तो उन्हें ज़्यादा दूरी तय न करना पड़े, वो आकर मैच देख सकें। तो यहाँ पर BCCI जो है अपने रेवेन्यू का भी ख्याल रख रहा है क्योंकि बांग्लादेश के साथ कहीं और मैच कराए तो बांग्लादेश से आने वाले दर्शकों के लिए दूरी अधिक हो जाएगी, तो उनका खर्च अधिक हो जाएगा, तो वहाँ से हो सकता है कि कुछ कम लोग आएँ तो उसका नुकसान जो है BCCI को उठाना पड़ सकता है, तो वो बांग्लादेश के मैच कोलकाता और गुवाहाटी में कराना चाहता है। इसके अलावा खबर यह भी है कि BCCI ने इंडियन टीम मैनेजमेंट से, टीम इंडिया के मैनेजमेंट से यह भी पूछा कि भाई आप कहाँ खेलना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन यह है कि भारत पाकिस्तान का मैच छोड़कर आप बताइए, क्योंकि वो मुकाबला तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही होगा क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देख सकें।
तो सूचना ये भी है और जो सोर्सेज के थ्रू जानकारी आ रही है उसके अनुसार इंडियन टीम जो है ऐसे विकेट पर खेलना चाहती है जहां पर कि आपको टर्न हो, स्लो विकेट हो, तो स्पिनर्स की मददगार पिच पर भारतीय टीम जो है वो खेलना चाहती है विश्व कप के अपने मुकाबले, और खास करके वो मुकाबले जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका इन देशों के साथ हो, तो वो मुकाबला जो है भारतीय टीम स्पिनर फ्रेंडली विकेट पर खेलना चाहती है, स्लो पिच पर खेलना चाहती है। और इधर हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो भारत के स्लो पिच पर जो इंडियन टीम है उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। और जो सूचना है और जो आप कह सकते हैं बातें कही जा रही है उसके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला चेन्नई में हो सकता है। तो ये हो गई भारतीय टीम की बात। अब आपको ये भी बता दें कि बीसीसीआई इस विश्व कप से पहले स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए और वहां समुचित व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है, ताकि जो दर्शक मैच देखने आए उनको कोई असुविधा न हो, जो टीमें वहां मैच खेलने जाएं उनको कोई असुविधा न हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो अक्टूबर नवंबर में विश्व कप के मैच होंगे, ज्यादातर उम्मीद है कि 5 अक्टूबर से विश्व कप शुरू होगा, ये भी कंफर्म है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 5 अक्टूबर से विश्व कप के मैच खेले जाएंगे, और चूंकि वो मानसून का समय है तो नवंबर के पहले सप्ताह से पहले मैचेस करा लिए जाएं, और वो ज्यादातर मैच जो है वो दक्षिण के राज्यों में खेले जा सकते हैं। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच 50 ओवरों के विश्व कप का जो मुकाबला होगा, महामुकाबला होगा, वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, और विश्व कप के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए स्पिन फ्रेंडली विकेट की मांग की है भारतीय टीम ने। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा इतनी जानकारी के बाद, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 24 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें, और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 24 स्कोप ऐप।